खालिस्तानी संगठनों द्वारा हरियाणा के सभी जिला कार्यालयों पर खालिस्तानी झंडे फहराने की धमकी दी गई थी, जिसको लेकर अंबाला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। बता दें कि डीसी ऑफिस कार्यालय पर बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने खालिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर डीसी अंबाला को ज्ञापन सौंपा और सरकार से खालिस्तानी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों के नेताओं ने कहा कि किसी भी कीमत पर देश के टुकड़े नहीं होने दिए जाएंगे और ना ही देश की शांति भंग होने दी जाएगी। वहीं गुरु पंचानंद गिरी महाराज ने कहा कि कुछ लोग विदेशों में बैठकर देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। खालिस्तान के विरोध में आज हमने तिरंगा यात्रा निकाली है और हम सरकार से मांग करते हैं कि खालिस्तानी समर्थकों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हम राष्ट्रीय बजरंग दल के संगठन से हैं और आज हम यहाँ पर डीसी कार्यालय में इसलिए आए हैं, जो कि एक पन्नू नाम का है, जो हमारे भारत वर्ष के तिरंगे झंडे को उतार कर खालिस्तान का झंडा फहराना चाहता था और उसने धमकी दी थी। हम उसी का चैलेंज लेके आए थे कि राष्ट्रीय तिरंगा उतारना तो दूर की बात है, आप यहाँ पर आके दिखाओ। और उसी चैलेंज के मुताबिक आज राष्ट्रीय बजरंग दल मैदान में आए तिरंगे के सम्मान में। और जिस प्रकार से, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने ये चीज़ बिल्कुल खुल के कही और आपने किसी बगैर डर भय के ये सारा कार्यक्रम दिखाया गया। आपको भी धमकियाँ आई, हम कहते हैं कि हम मीडिया के साथ भी बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, यदि आपके ऊपर आँच आएगी तो उससे पहले हम उसको झेलेंगे। आज हम इंटरनेशनल एंटी खालिस्तानी टेररिस्ट फ्रंट का राष्ट्रीय प्रधान हूँ मैं, ये हमारे हरियाणा स्टेट के प्रधान हैं कर्ण कुमार जी। हम आज जो उसने कॉल दी थी आतंकवादी पन्नू ने, जो उसके जो साथियों ने, वो अम्बाला में डीसी झंडा लगाए गए, हम झंडा नहीं लगने देंगे उसका खालिस्तान का। मैं जरूर सिख पंथ से हूँ पर खालिस्तान का कभी नहीं बनने देंगे, ना बनेगा ना बनने देंगे, हमारी छाती के ऊपर बनेगा जब बनेगा। तो हम इसके विरोध में डीसी साहब को मेमोरेंडम देने आए हैं सभी लोग। पहले हमने अभी सदर चौक कैंट में पुतला फूका उसका, गुरुपदन पन्नू का, आतंकवादी जगतार सिंह हवारा, आतंकवादी बलवान सिंह राजौना जिन्होंने बेअंत सिंह जी की हत्या की थी, उन सभी का खालिस्तान का पुतला जलाकर आए हैं। ये कभी भी मंसूबे इनके कामयाब नहीं होने देंगे। अगर इन्होंने खालिस्तान बनाना है सिर्फ तो सिर्फ पाकिस्तान में बनेगा, जाके इंडिया में कहीं भी नहीं बनेगा। ये बनेगा तो हमारी छाती से ऊपर निकल कर जाएगा, कभी नहीं बनने देंगे। खालिस्तानी का जो खालिस्तान विचारधारा का जो संचालक है पुन्नू, उसने 29 तारीख को डीसी कार्यालय पे खालिस्तान का झंडा लहराने की बात की गई थी और अब नहीं, कई बार वो वीडियो डाल चुका है, ऐसी देश के अंदर दंगा फैलाने का उसका प्रयास रहता है। तो आपके कैमरे के माध्यम से देखो, अभी मीडियाकर्मियों ने भी इसकी वीडियो लगाई थी, जबकि वहाँ से खालिस्तान समर्थकों की बहुत धमकियाँ भी आई। तो आपका बहुत बहुत आभार और राष्ट्र बजरंग दल द्वारा मैं आप सभी को एक चीज़ का आश्वासन देता हूँ, भैया आपके साथ तन मन से खड़े हैं और शस्त्रों से भी खड़े हैं। कभी भी राष्ट्रवादी मुद्दे पर आप निसंकोच होकर बिना किसी दबाव के आप जो है खबर लगाएं और कोई भी धमकी दे रहा उसका जवाब हम देंगे। आप हमसे संपर्क करें, हम भी भारतीय नागरिक हो, आप भी, और अपने मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करें राष्ट्रवाद। क्या लगता है इस तरीके से जो धमकी है, क्या माहौल खराब नहीं होता इस तरीके से? देखो माहौल तो खराब होता है, लेकिन इसमें फेलियर प्रशासन और सरकार का मानता हूँ। देखिए हमारे पास तो कोई ऐसी पावर नहीं, हमारे पास जो है युवाओं का दल जरूर है और सभी क्रांतिकारी शेर हैं एक से एक बढ़ के, जो अपना रोल मॉडल महाराणा प्रताप को मानते हैं, शिवाजी को मानते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी को मानते हैं, जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए बच्चों की भी आहुति दी। लेकिन सबसे पहले हिंदू सिख भाइयों को मैं एक युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरीके के आतंकवादियों से सचेत रहें और उनकी बातों में ना आए, हमारे आपसे संबंध खराब होंगे और ये देश जो है हमारे पूर्वजों की शहीद का बलिदान का प्रतीक है, इसको बचाएं हम लोग। सरकार से क्या मांग की? सरकार से मांग यही है, देखिए डीसी महोदय से भी हमने यही कहा है कि ये भी तिरंगे के लिए काम करें हम भी, और तिरंगा राष्ट्रध्वज का प्रतीक है। अगर कोई इस प्रकार का आतंकी आदमी देश तोड़ने की बात करे, तिरंगे को झुकाने की बात करे, उसको शूट के ऑर्डरों से उसके साथ इतनी सख्ती से पेश आना चाहिए कि भविष्य में कोई ताकत इतनी बात ना कर सके। बेटा एक्चुअली में एक देशद्रोही डरपोक नपुंसक गुरप्रीत पन्नू है, जो अमेरिका में बैठा है, सिख फॉर जस्टिस संगठन चलाता है, उसका आतंकवाद के समय में वो यहाँ से भगोड़ा है पंजाब से बाहर, उसने सिटीजनशिप ले रखी है अमेरिका में, कोई ना कोई नया शगुफा छोड़ के, कभी 2020 रिफंडेड, कभी कुछ कभी कुछ, कभी डॉलर ऐलान। अब उसने ऐलान किया था कि हरियाणा के सारे डीसी और एसएसपी ऑफिसों पे खालिस्तान का झंडा लगाएगा 29 तारीख को और ये दिवस मनाएगा। तो उसके विरोध में आज पूरे हरियाणा में हिंदू सुरक्षा समिति और हिंदू तख्त ने अपने वर्करों की ड्यूटी लगाई थी और हम लोगों ने अम्बाला में भगवा और तिरंगा रैली रखी थी। उस रैली के तहत हम डीसी साहब को मांग करने आए हैं कि ऐसे लोगों पे पर्चे दर्ज हों, उनके समर्थकों पे पर्चे दर्ज हों, ताकि देश में अमन शांति कायम रह सके।
एक्चुअली ऐसा है कि कुछ कट्टरवादी जो पंजाब के चंद मुट्ठी भर लोग मान ग्रुप कुछ ऐसे लोग शरारती इकट्ठे हुए थे जिन्होंने काली माता मंदिर पे अटैक करने का प्रयास किया जहाँ पे पथराव उन्होंने गोली भी चलाई है। तो वो हालात एकदम नाजुक हुए लेकिन प्रशासन की समझदारी से अब तनाव कम है। वहीं पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कुछ संगठन अपनी मांगों को लेकर खालिस्तान के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे थे जिन पर नियमानुसार कार्रवाई होगी और अंबाला में सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। जैसे कि जो एक लेटर आया था कि जो झंडे फहराने के लिए एक तो मिस इन्फॉर्मेशन या फिर जो बदमाशी की गई थी जो लेटर से मिला बता के, तो उसके खिलाफ दो तीन संस्थाएं आई थी, दो तीन ऑर्गेनाइजेशन आई थी, तो उन्होंने अपने ज्ञापन दिए हैं इसके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए, तो उन पर बिल्कुल ही नियमानुसार कार्रवाई करवानी चाहिए। ये अलग अलग संगठन हैं, जो एक संगठन अम्बाड़ा से है और एक ये पंजाब से थे आए, तो इन्होंने अपनी एकता को मद्देनज़र रखते हुए ज्ञापन दिया है कि हरियाणा में इस प्रकार की कोई भी हरकत ना हो और डीसी साहब को ज्ञापन दिया है, दोनों ने अलग अलग ज्ञापन दिया। इंतजाम यहाँ कल से ही फोर्स लगी हुई है और सुरक्षा की दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मतलब पूरी फोर्स पर्याप्त मात्रा में बिल्कुल शांतिपूर्ण है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।